सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे भी बढ़िया रहना। तो भाई, इस वीडियो में बात करेंगे कि गेम टर्बो 3.0 को प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करते हैं तो क्या हमारे साथ खतरा हो सकता है, क्योंकि गाइस बहुत बंदे के साथ ये हो चुका है। तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखना, गाइस 3 मिनट का वीडियो है, गाइस वीडियो पूरा देखना। तो भाई यार, अगर आप प्ले स्टोर से गेम टर्बो 3.0 डाउनलोड करते हैं, अगर कहीं से भी आप डाउनलोड करते हैं, तो गाइस आपका आईडी बैन हो सकता है गेम का। गाइस कैसे बैन हो सकता है? क्योंकि गाइस आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करेंगे तो गाइस आपका आईडी बैन तो होगा ही। तो भाई आप लोग को लगता होगा, भाई तू भी तो वॉइस चेंज करता है तो तुम्हारा आईडी क्यों नहीं बैन होगा? तो गाइस मेरा आईडी क्यों नहीं बैन होगा? क्योंकि गाइस ये मेरा मोबाइल का ही फ्यूचर है गेम टर्बो 3.0। हम कहीं से भी डाउनलोड इसे नहीं किए हैं, तो गाइस मेरा आईडी बैन नहीं होगा। व्हाट गाइस, अगर आप लोग को बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि गाइस ये ऐप डाउनलोड कर दो आप लोग का वॉइस चेंज होगा, यार गेम टर्बो का बात नहीं करें, गेम ब्रूस्टर कोई भी ऐप अगर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके अपना गेम में यूज़ करते हैं तो गाइस आपका आईडी बैन होगा। और अगर ये बात हमसे नहीं विश्वास हो रहा है गाइस, तो आपको एक क्लिप्स में डेमोन भाई का दिखा देता हूँ। मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गेम बूस्टर भी यूज मत करना, है ना, इनको लेकर भी काफी लोगों का आईडी बैन कर चुकी है। आपके फोन में जो गेम बूस्टर आता है बस आप उसे यूज। तो भाई अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इनका वीडियो देख सकते हैं। तो भाई इनका कहना है कि अगर प्ले स्टोर से आप गेम ब्रूस्टर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो वॉइस चेंज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो गाइस आपका आईडी बैन हो सकता है। क्योंकि गाइस गरीना वाले देखेंगे, यार आप थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो गाइस आपका भी आईडी बैन हो सकता है। और गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक सप्ताह में 1 मिलियन से प्लस आईडी बैन हो चुका है गाइस, 13 लाख के आसपास आईडी बैन हो चुका है फ्री फायर में। और ये सब आईडी कैसे बैन हुआ है? तो गाइस ये सब थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहे थे यार। और भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक नहीं आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दो ना भाई यार। और गाइस इस वीडियो से यार अगर 10K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा देते हो भाई, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, गाइस वीडियो बनाने में इतना मेहनत लगता है और सिर्फ 1% बंदा सपोर्ट करते हैं। तो गाइस ऐसे मत करो भाई यार, 10K सब्सक्राइब जितना जल्दी कंप्लीट करवा दो यार प्लीज़। भाई यार वीडियो देख के निकल जाते हैं यार, कोई सपोर्ट कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ भाई ऐसे मत करो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और भाई आप लोग सोच रहे होंगे यार, तो अब कैसे हम करेंगे वॉइस चेंज? तो गाइस देखो, सभी मोबाइल का जो कंपनी है सब वॉइस चेंज फ्यूचर लाएगा, मैं आप लोग को ये गारंटी देता हूँ। गाइस कुछ समय लगेगा लेकिन सभी फ़ोन में होगा वॉइस चेंज। और गाइस रेडमी का बात करते हैं, तो गाइस एक भाई ने कमेंट किया है कि गाइस मेरा 12.0.16 अपडेट है तब पर भी वॉइस चेंज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो भाई इस पर हम वीडियो बना देंगे नेक्स्ट वीडियो यार, तो सब्सक्राइब कर लेना, जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वीडियो देख के वॉइस चेंज कर सकते हो। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि गाइस आप अब कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करेंगे और आपका आईडी सेफ रहेगा, नहीं तो गाइस बैन हो सकता था। तो गाइस यार वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, और भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और गाइस जितना जल्दी 10K सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दो यार प्लीज़, आप लोग का ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे यार। तो भाई यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।